लखनऊ से बड़ी खबर, गोमती नगर में महिला से बसलोखी का मामला। पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से गोमती नगर में महिला से बसलोखी का वीडियो सामने आया था। कल बारिश के दौरान महिला से बसलोखी की गई थी, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। इस मामले में पुलिस ने अब तक 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री की तरफ से भी मामले का पूरा संज्ञान लिया गया था और साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे कि किसी को भी छोड़ा ना जाए। दरअसल राजधानी लखनऊ की तस्वीरें थी, जहां पर बारिश के दौरान एक दंपति से, एक महिला से कुछ लोगों के द्वारा बदतमीजी की गई थी, बदसलूकी की गई थी, जिसके बाद वीडियो काफी चर्चा में आया था और मुख्यमंत्री ने भी पूरे मामले का संज्ञान लिया था। गोमती नगर में बारिश के दौरान हुड़दंग के मामले में पवन यादव के परिजनों का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जिस समय बारिश हो रही थी, पवन घर पर था और वो बेगुनाह है। आपके बच्चे का नाम पवन का आ रहा कि कल पानी उलझे में लोगों परेशान कर रहे, उसका नाम था, वो उस समय कहाँ पे था वो? अब यूँ नहीं जा रही थी, मतलब बारिश भर गए रहे हैं, 7 बजे तक यहाँ रहे हैं भैया घरी माँ। नहीं, कल घर में पवन कितने बजे घर पे थे वो? घर माँ कही थे कि बारिश भर रहे हैं, बारिश निकल गई है, तो यहाँ पर दावत रहे, हमका बुलाया रहे, तो हम नहीं जा पाओ, तो हम कहें भैया जाए के दावत खाए, और हम बच्चा ना जाए पाए, हमारा तबीयत नहीं ठीक है, कहीं ठीक है, बस इतना जाने थे, बस कि यू नहीं जाने कहाँ गए, मतलब वहाँ तो भी घर पर घटना के समय वो घर पे थे, कल कहीं गए नहीं। हाँ हाँ, कही थे जो सबसे पूछ लियो, टोला मोहल्लम नहीं दी, ऊपर किराएदार रहा था, कहीं की घर पर रहा है, बताओ उनसे खुद देख कर घर पर रहा है। ये पवन यादव का घर, पवन घर के आसपास में पूछना चाहता था, आप जिस समय घटना हुई थी उसमें पवन घर पे थे कि बाहर थे? इस समय जिस समय बारिश हो रही थी उस समय ये लड़का यहाँ पे घर ही पे था। उस समय कहाँ थे पवन? घर पे। तो खबरें